हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑफ लिटिल मास्टर पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर नंबर 12 ऑफ मैथ सब्जेक्ट फॉर द क्लास सेकंड, व्हिच इज गिव एंड टेक। ओके, इस चैप्टर में गिव एंड टेक का मतलब क्या है? ओके, तो गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना। ओके, तो गिव मतलब दिया, मतलब सामने वाले इंसान के पास सपोज चॉकलेट है या फिर टॉफीज है, ठीक है। तो अगर हम सामने वाले पर्सन को टॉफीज देते हैं तो उसके पास क्या नंबर ऑफ टॉफीज इंक्रीज होगी, राइट, मतलब बढ़ जाएगी, तो वो चीज क्या हो जाएगी, एडिशन। ओके, नेक्स्ट टेक, सामने वाले मतलब चाइल्ड के पास से अगर हम चॉकलेट ले लेते हैं, टॉफी ले लेते हैं, तो क्या नंबर ऑफ टॉफीज वहां से क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कम हो जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, उधर पे सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है, गिव मतलब की एडिशन और टेक मतलब की सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे क्या है कि नेकलेस बनाया गया है जिसमें हमें 10 बीट्स की 1 नेकलेस बनानी है। ओके, 10 बीट्स की 1 नेकलेस, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसे हम एक्स्ट्रा मतलब अलग से बनाएंगे। ओके, तो ये चीज आप जिस तरह आपने 10-10 के बंडल्स बनाए थे और उसे काउंट किए थे, सेम वैसे ही यहाँ पे जितने भी बीट्स है वो 10 का ही रखना है। ओके, नेक्स्ट उसे क्या एडिशन करना है, तो यहाँ पे एडिशन इस तरह होगा, तो पूरे चैप्टर में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सीखना है। ओके, तो एडिशन आपने फर्स्ट क्लास में सीखा ही था, 1 नंबर का एडिशन किस तरह करते हैं वो आपने सीखा था, उसी तरह सब्ट्रैक्शन भी आपने 1-2 विदाउट कैरी वाला सीखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमें कैरी वाला सीखना है। तो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे एक 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी आपको खुद से ट्राई करने रहेंगे। ओके, सपोज मैंने कोई नंबर लिया है 25, उसमें ऐड करना है 1 और 3, 30। ओके, अब जब यहाँ पे 4+3 होता है, इतना ही एडिशन होता है, तो इजीली हम ऐड कर सकते हैं 2 नंबर्स को, राइट। लेकिन जब यहाँ पे 2 डिजिट हो, 1s और 10s की प्लेस हो, ठीक है, 10s और 1s की प्लेस हो, तब कैसे हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमें 1s की प्लेस से स्टार्ट करना है, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो तो हमें 1s की प्लेस से स्टार्ट करना रहेगा। 1s मतलब ये वाला डिजिट और 10s मतलब ये वाला डिजिट। ओके, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सॉरी एडिशन करेंगे, तो 5+3, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 3, 6, 7, 8। ओके, मतलब 8 होगा। उसी तरह 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1, 2, 3। ओके, आपको जिस तरफ आता है उस तरह आप ड्रॉ कर, मतलब लाइन ड्रॉ करके फाता है तो लाइन ड्रॉ करके आप एडिशन कीजिए, फिंगर्स पे फाता है तो फिंगर्स पे, एज योर विश। ओके, अब इसी तरह हम बात करते हैं कैरी वाले एडिशन की, तो कैरी वाले एडिशन की बात करते हैं, तो 36, 82 ऐड करना है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से, 1s की प्लेस से, तो 1s की प्लेस पे क्या है, 6 है और 8 है, तो कैसे करेंगे, तो पहले 6 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ये 6 हो गया, अब 8 काउंट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब यहाँ से हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, मतलब 6+8 कितना होगा, 14। तो 14 में कितने 2 डिजिट होते हैं, तो जो हमारा 10s की प्लेस पे होता है वो कैरी में जाएगा और जो 1s की प्लेस में होता है वो नीचे रह जाएगा। ओके, नाउ जो ये कैरी है उसे हम इसमें ही ऐड कर देंगे, तो 1+3, तो 1+3 ये 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3 और ये 1, 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 6। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। तो ये है कैरी वाले एडिशन। ओके, देखो ये सब एडिशन के प्रॉब्लम्स है जो आपको इसी तरह फिंगर्स के थ्रू काउंट डाउन करके सॉल्व करने हैं। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की,
सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होता है, अगर बोला जाए 8 - 4 की तो आप ये इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, क्या है 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से हमें कितना कट करना है 4, तो 1 2 3 4 कट कर दिया, अब कितने रिमेनिंग बचे, तो 1 2 3 4 रिमेनिंग बचे 4, तो ये तो हम इजीली कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें, अब सेकंड में आ गए, बड़ी क्लास में आ गए, तो अभी 2 डिजिट वाले सब्ट्रैक्शन करने रहेंगे, जैसे कि 23 और 1 2, ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी मैंने जस्ट आपको एडिशन में बताया कि कहाँ से स्टार्ट करना होता है, तो वंस की प्लेस से स्टार्ट करना होता है, वंस की प्लेस ये रही, टेंस की प्लेस ये रही, ठीक है। तो वंस मतलब 3 है और 2 है, तो हमें क्या करना है 1 2 3, उसमें से कट कितना करना है 2, तो 1 2 लाइन कट कर दें, हम कितनी लाइन ऐसी विदाउट कटिंग वाली बची, तो 1, तो राइट डाउन ये 1, इसी तरह 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें से 1 कट कर देंगे, तो ये कट हो जाए, बचेगी 1। अगर आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है तो फिंगर्स पे कर सकते, तो 1 2 3, 3 में से कितना कट करना था 2, तो 1 2 कट कर दिया, अब कितना बचा 1, ओके, तो इस तरह आप कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है कैरी वाली, मतलब विद कैरी, ठीक है, तो हम कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 32, यहाँ पे हम लेंगे 8 और यहाँ पे 1, ओके, जब इस तरह, मतलब देखो यहाँ पे 8 ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि हम 8 से 2 इजीली कट कर सकते हैं। यहाँ पे कई कई बच्चे क्या करते हैं कि 8 से 2 रिवर्स, मतलब उल्टा माइनस करते हैं, तो ये चीज रॉन्ग है, ठीक है, उल्टी चीज नहीं करनी हमें। हाँ, ये मैंने बोला है कि आपको बैक साइड से माइनस सब्ट्रैक्शन करना है, बट ये नहीं बोला है कि आप 8 से 2 कट करो, ठीक है, ये रॉन्ग मेथड हो जाएगी। जब यहाँ पे स्मॉल नंबर हो और नीचे बिग नंबर हो, स्मॉल नंबर ऊपर हो और बिग नंबर नीचे हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके बाजू वाले से, उसके साइड वाले नंबर से आपको 1 बोरो करना है, 1 बोरो किया और ये कितना है 2, तो 2, ये अब कितना हो गया 12, अब पहले तो 2 था, तो 2 से 8 कट हो सकता था, नो, तो अभी कितना हो गया वो 12, तो 12 में से 8 कट हो सकता है, तो यस कट हो सकता है, तो 12 में से 8 कट करेंगे तो 4 रिमेनिंग बचेगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जैसे ही आपने इससे एक बोरो किया था, तो इसके पास एक माइनस होगा कि नहीं होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो इसके पास कितना रहेगा 2 बचेगा। इसने सपोज आपके पास 3 चॉकलेट्स थे, एक आपने अपनी बहन को दे दी या भाई को दे दी, तो आपके पास कितनी अब बचेगी 2, तो वही चीज है यहाँ पे, तो ये एक तो कट हो गया, तो अब यहाँ पे क्या 2 में से 1 को कट करें, तो 2 में से 1 कट करेंगे तो 1, मीन्स योर आंसर इज 40, ओके। तो इस तरह कैरिंग वाले और विदाउट कैरिंग वाले सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको रीड करने हैं। अगर हाउ मैनी बोला जाए, हाउ मैनी टोटल ऑल, मतलब देयर ऑल इन बोले, मतलब सब को टोटल बताना है, तो वहाँ पे एडिशन करना है, ओके। लेकिन जहाँ पे बोला जाए कि हाउ मैनी मोर मैंगल्स, मतलब कि जहाँ पे डिफरेंस पूछा जाए, क्या डिफरेंस, तो वहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, और जहाँ पे हमें टोटल पूछा जाए वहाँ पे हमें एडिशन करना है, ओके। सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही है, आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, सब क्या करना है आपको, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं इसी तरह, ठीक है। आप इस तरह अपनी टेक्स्ट बुक में भी करो और नोटबुक में भी करो। तो यहाँ पे ही इसी के साथ हो जाता है चैप्टर फिनिश। आपके पूरे चैप्टर में एक ही चीज़ थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसी मेथड से करनी, कोई मेथड चेंज नहीं है, ठीक है, ओके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।